नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। आज दोनों जिये हूं, कहां हूं, करुणा रूप में हूं, कभी नहीं विचलन है का पुरस्कार प्रेम यादव भैया हमारे छोटी कुल्हड़िया से भैया के बहुत बहुत प्रणाम। ए रमेश भैया, रमेश भाई हमारे छोटे भाई हों और हमारे तो बहुत सहयोगी हों कुल्हड़िया से, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छुट्टी के बहुत रुपया पुरस्कार दे के कहा लोग प्यारे प्यारे दुलारे तना बाकी बहुत इतना दे ले हो लोग प्यार दुलार में इनाम कि कोनो एकर गिनती ना। रमेश भाई हमारे पूर्व मंत्री दत्तन पहलवान के नाम पर बहुत रुपया के पुरस्कार दिया और बहुत रुपया के पुरस्कार राजा राम भैया के नाम पर रमेश भाई दिया और बोलू ना। अच्छा अच्छा राजेश हम डॉक्टर साहब जो उनकी लोगों का मीडिया का जीजा जी जीजा लगे हम इनका जीजा बोलन तो भाई हम हूँ जीजे बाटन। बहुत बहुत प्रणाम आपके, मालिक सुखी रखे, घर परिवार आपके बनल रहे, ये हमारी खुशी बात। बहुत बहुत ज्यादा पुरस्कार दीदी के नाम पर जो कि महिला प्रकोष्ठ के महासचिव बाटे प्रतिमा यादव जी, बहुत बहुत आपको हम प्रणाम करते हैं, मालिक शुक्रिया। और ये मुखिया जी सुशील जी के नाम पर आप बहुत रुपया का पुरस्कार दिए हैं, बहुत बहुत प्रणाम बा। एक मिनट हमारे यहाँ के अंदर ध्यान दिए और सुरेश मुखिया बोक्सा मुखिया जी के बहुत बहुत प्रणाम बा आपके नाम पर। और जगदीशपुर भैया हमारे हरना कुशवाहा जी आपके तरफ से बहुत रुपया के पुरस्कार मालिक सुखी रखे। तनी बात समझ ला, आज और दोनों जिये हूँ जिम्बाहन मोहिनी दोनों जिंदा है, दूसरे के लिए जान दे दिए, मर गए शहीद हो गए, लेकिन आज दोनों जिंदा है। किस रूप में जिंदा है बाबू कि जम्मू नगर बसाए राधा सती हो गई रानी, गली के मोहनी झील बन गई आज भी है वही जिम्बाहन के नाम पर जम्मू कश्मीर बना और उसी जम्मू कश्मीर में मोहिनी मोहिनी झील के नाम से प्रसिद्ध हुई। इतना भाई विराट में बैठे हूँ, अगर जे भाई वैष्णो देवी के दर्शन करे गई हो एक मेरी आप थोड़ा दिमाग ले चला वैष्णो देवी तक, जम्मू से उतर करके लोग कटरा जाते हैं और कटरा से चढ़ाई चढ़ करके वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए। वैष्णो देवी के ठीक बाएं बगल जो झील बहती है वही मोहिनी झील है, वैष्णो देवी के लोग दर्शन करते हैं, मोहिनी झील का दर्शन करते हैं और उससे भी ऊपर सबसे ऊपर चढ़ करके लोग जाते हैं, अंतिम दर्शन होता है काल भैरव का। जब ये तीनों दर्शन एक साथ होता है तो दर्शन पूर्ण मानी जाती है। तो यही से हमारे पहले को मतलब रहा कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। आज जिम्बाहन नहीं है इस दुनिया में, आज जिम्बाहन
शहीद हो गया, जमवान की पत्नी मोहिनी शहीद हो गई, दूसरे के चलते, लेकिन आज दोनों अमर है कलयुग में। तो कभी एक बात लिखन का Oh,